विकास की कल्पना बिना स्वास्थ्य सुविधाओं के नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा को विकास की बुनियादी जरूरत मानती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा गारंटी देने को प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर लागू किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत की योजना एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी और गरीब को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी अस्पतालों को सक्षम बनाने के साथ ही उन्हें अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया है, जहां मध्यम और गरीब तबके के लोगों को बेहद सस्ते दामों पर जांच, इलाज और दवाएं दी जा रही हैं। ये अच्छी योजना है, जो गरीब आदमी जो इलाज नहीं करा पाता था उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। महज 22 महीनों में इन सरकारी अस्पतालों में कुल 50,15,942 रोगियों की सेवा की गई। 6 मंडल स्तरीय अस्पतालों में डायलिसिस सेवा शुरू की। 150 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाई। इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 3 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया। बुनियादी स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए सभी जिलों में फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। चिकित्सकों की कमी से निपटने के लिए 2205 चिकित्सकों की भर्ती की गई, जिनमें 40 विशेषज्ञ हैं। बच्चों के कुपोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई और JAS प्रभावित जिलों में 34 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया। आज प्रदेश में 6 करोड़ लोग आयुष्मान योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश की जनता के चेहरे पर आज शिकन नहीं, मुस्कान होती है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।